हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जब से जेडीएस एम्प्लॉयज के लिए सातवें पे कमीशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तब से सभी के विचार एक ही आ रहा है कि इनका फुल पेमेंट कितनी होगी, इनका नया बेसिक पे कितना होगा, एरियर कितना मिलेगा, डीए कितना मिलेगा और कौन से अलाउंसेज कितने बढ़े हैं, उनका एरियर कितना होगा। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको नई बेसिक पे कैसे पता करेंगे। इस वीडियो में बताऊँगा कि जेडीएस एम्प्लॉयज के लिए फुल टेक होम सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में हमने एक बीपीएम यानी ब्रांच पोस्टमास्टर का लिया है, जिसकी वर्तमान बेसिक पे है 5465 रुपये और सर्विस है 19 साल। तो इसके लिए जो इसकी सैलरी स्लिप में जो रिफ्लेक्ट होती है या सैलरी स्लिप ग्रॉस सैलरी को जो अफेक्ट करती है, वो सबसे पहला टर्म उसमें बेसिक पे, दूसरा है डीए, एट प्रेजेंट डीए 7% है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, एचआरए हैं जो सबको मिलता है और मिनिमम है, यहाँ मैंने एग्जांपल में लिया है, और हार्डशिप अलाउंस है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड अलाउंस है, कंपोजिट अलाउंस है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है, इंक्रीमेंट फॉर 12, 24 और 36 ईयर्स। ये टर्म्स है जो आपकी सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा कितना कितना है। जिसका एज ऑन डेट बेसिक है 5465, उनका बना है 14,280, डीए इसका बन रहा 7% के हिसाब से 999.6 और एचआरए मिनिमम 800 रुपये तो होता ही है सबका, और ये एज पर सिटी होता है, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस सिटी कैटेगरी ग्रुप एक्स वाई जेड इस टाइप से। और हार्डशिप अलाउंस है 500 रुपये है जो न्यूली इंट्रोड्यूस है, और कंपोजिट अलाउंस है 100 से बढ़ा के 500 कर दिया गया है। यदि आप पे अप्लीकेबल हार्डशिप अलाउंस तो आपकी सैलरी स्लिप में आएगा। नॉर्मली ये हार्ड एरिया में काम करने वाले जेडीएस एम्प्लॉयज को मिलेगा। एक कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है जो मिनिमम 1170 रुपये हुआ है, और इंक्रीमेंट फॉर 12, 24 एंड 36 ईयर है, ये है 861 रुपये और 40 पैसे। दोस्तों ये इंक्रीमेंट है जो ये अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एमएससीपी होता है, जो अलग अलग रूल है सबके लिए। किसी के लिए है 10 इयर्स 20 इयर्स एंड 30 इयर्स में मिलता है, किसी के लिए है 8 इयर्स 16 इयर्स एंड 24 इयर्स, और जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए ये है 12 इयर्स 24 इयर्स एंड 36 इयर्स। ये टोटल लेंथ ऑफ सर्विस पे के बेस पे बनाया गया है रूल्स। तो ये तो हो गए टोटल विड्रावल्स, टोटल क्रेडिट्स जो एक जीडीएस एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप में मिलेगा। और अब देखते हैं डिडक्शन की बात। जीआईएस है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो सब जीडीएस पे अप्लीकेबल होता है, और एज ऑन डेट इसकी रेट है 500 रुपये। एनपीए है जो इस बेसिक पे के हिसाब से 453 रुपये बन रहा है, और टोटल विड्रावल्स की बात करें तो ये बन रहा है 19,110 रुपये। इसी प्रकार इस टोटल डिडक्शन बनेंगे 953 रुपये। अब विड्रावल्स और डिडक्शन का जो डिफरेंस है वो आपकी होगी फुल टेक होम सैलरी, यानी टोटल टेक होम सैलरी जो बन रही है 18,157 रुपये। यानी एज ऑन डेट जिस एम्प्लॉयज का बेसिक पे 5465 है, उसको 18,000 के आसपास टोटल सैलरी मिलने के चांस है। और इन अलाउंस से इस सैलरी में वेरिएशन आ सकता है कि कौन सा अलाउंस किसके लिए अप्लीकेबल है। Friends, thanks for watching this video. Please share this video with your friends and subscribe Government Staff channel. Bye bye. Take care.